बाबा को, मेरी बुआ नंदा सुनंदा को। उद्धव जी उस खत को लेकर के आज वृंदावन में चले हैं, और जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो जा करके देखा है कि कोई घट भरे हुए जल के अपने विचारों से दूर महावर का है वो सुन तो तो मैले हुए फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, किसी को सर पर गधा रखा है जल से भरा हुआ, तो जाने का ध्यान नहीं है। कोई कुएं से पानी खींच रही है तो अंदर ही उसकी गगरी फंसी हुई है, खींचने का ध्यान नहीं रहता है। आज ऐसी लवलीन है सभी गोपियां कृष्ण के रूप में, उनके ध्यान में, उनके प्रेम में, कि किसी को अपनी सुधि नहीं थी, ऐसा लगता है कि मृत शरीर खड़ा है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं, हाय श्याम हाय श्याम कह कह करके उनके कंठ भी रुक जाते हैं। सारी गोपियां बड़ी ही परेशान हैं, और जिस समय उद्धव जी आज पहुंचे हैं वृंदावन में, तो उसी समय गोपियों से पहले मुलाकात हो जाती है। तो उसी समय गोपियों ने जवाब दिया है उद्धव जी को देख करके, क्योंकि उनके कांधे पर जो पटका था वो कृष्ण का था। आज समझ जाती हैं कि जो भी है कृष्ण के पास से आया है। ऐसा लगता है कि आपको देख करके कि आपके लिए हमने कहीं देखा है। उद्धव जी कहने लगे, हम कृष्ण की पाती लेकर के आए हैं, क्या यही वृंदावन है? जवाब दिया गोपियों ने, हाँ यही वृंदावन है। आज जब गोपियों ने पूछा तो जब उद्धव जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, Oh, 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 oh
समय उद्धव जी ने जवाब दिया कि हम कृष्ण का खत लेकर के आए हैं। उन्होंने कहा है कि वृंदावन वासियों को समझा देना क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं है और जब समय होगा तो हम वृंदावन लौट करके एक बार जरूर जाएंगे। आज जिस समय